गाइस, कैसे हैं आप सब? कशा भलशा खंबा गणी। सो गाइस, दिस इज किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पति पत्नी और वो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ इंस्टेंट ग्लो फेस पैक शेयर करने वाली हूँ, जो कि विंटर सीजन में आपके स्किन को देगा इंस्टेंट ग्लो और आपकी स्किन को देगा ब्राइटर लुक, शाइनी लुक एंड यस इंस्टेंट वाइटनिंग लुक। सो गाइस, इसके इंग्रेडिएंट्स आपकी किचन में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो चलिए गाइस, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हियर वी गो। सो गाइस, इंस्टेंट ग्लो फेस पैक बनाने के लिए यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है हनी, रोज़ वाटर, लेमन, कर्ड एंड ऑरेंज पील पाउडर। यहाँ पर जो ऑरेंज पील पाउडर मैंने लिया है वो होममेड है। मैंने ऑरेंज के छिलकों को सुखाकर इसे ग्राइंड कर लिया था और इसे 5-6 महीने से स्टोर किया हुआ था। तो गाइस, आप भी होममेड पील पाउडर बना सकते हैं, और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट लाइक अमेज़न और फ्लिपकार्ट से इजीली परचेज कर सकते हैं, बट आई प्रिफर होममेड पील पाउडर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग होममेड पील पाउडर। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हनी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट होता है और एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज इसमें होती है, तो हम इसे यहाँ यूज़ करेंगे। सेकेंड इंग्रेडिएंट है लेमन, जो कि विटामिन सी का रिसोर्स है और आपके फेस के पोर्स को टाइट करता है, स्किन वाइटनिंग करता है और स्किन को फेयर बनाता है। देन थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ कर्ड, इट कंटेंस लैक्टिक एसिड, तो इसीलिए आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्पेशली डेड स्किन को, और स्किन को नरिश करता है, हेल्दी बनाता है और हाइड्रेट रखता है ये स्किन को। देन फोर्थ वन इज़ ऑरेंज पील पाउडर, जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस इंस्टेंट फेस पैक का। इट इज़ वेरी गुड फॉर ट्रीटिंग एक्ने एंड ऑयली स्किन। ये आपको ब्राइटर लुक देता है, शाइनी लुक देता है और टैन रिमूवल भी है। तो गाइस, फिफ्थ वन और लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा इस फेस पैक का है वो है रोज़ वाटर, क्योंकि इट हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, तो ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को रिस्टोर करता है। तो गाइस, अभी हमारा फेस पैक तैयार हो चुका है और मैं इसे अपने ऑल ओवर फेस पर और नेक पर अप्लाई करूंगी। तो चलिए गाइस, फिर हियर वी गो। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि मैं इसे अपने ऑल ओवर फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और नेक पर भी ब्रश की हेल्प से मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइस, बहुत ही बेनिफिशियल फेस पैक होता है, इंस्टेंट ग्लो देता है, और आप शादी पार्टी में जाने से पहले इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको इंस्टेंट ग्लो देगा जैसा कि मैंने पहले भी कहा है।
सो गाइस, आई एरिया के नीचे से अप्लाई नहीं करना है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि मैंने इस फेस पैक को ऑल ओवर फेस और नेक पर अप्लाई कर लिया है। अब हम इसे 15 मिनट तक ड्राई होने देंगे, देन इसे जेंटली रब करके वॉश कर लेंगे। तो गाइस फिर मिलते हैं आफ्टर 15 मिनट्स। हे गाइस, सो आप देख सकते हैं इंस्टेंट ग्लो मेरे चेहरे पर। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये इंस्टेंट फेस पैक? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ये मस्ट ट्राई फेस पैक है, आप इसे अपने चेहरे पर जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज ऑफ योर स्माइल यू मेक योर लाइफ मोर ब्यूटीफुल। सो गाइस बाय बाय।